हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। आइए देखते हैं आज शाम आपके पर्सन किससे और क्या बातें कर रहे थे, आपके बारे में निकालते हैं कुछ कार्ड्स और देखते हैं। और आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि आज शाम आपके पार्टनर किससे और क्या बातें कर रहे थे आपके बारे में। ओके व्यूवर्स, जब तक मैं कार्ड्स निकाल रही हूँ, आप अपने पर्सन को विजुअलाइज़ करते रहें और पॉजिटिव माइंड के साथ इस रीडिंग को देखें। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है और टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। ओके व्यूवर्स, हमने यहाँ पर कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो हमारे पास कार्ड्स आए हैं वो आए हैं फोर ऑफ सोर्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ सोर्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ सोर्स। और यहाँ पर जो साइन है वो है कुंभ मिथुन तुला, एक्वेरियस जेमिनी लिब्रा, मीन कर्क वृश्चिक, पाइसिस कैंसर स्कॉर्पियो, मकर वृषभ कन्या, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो। ओके व्यूअर्स, ये आपके साइन या फिर आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। और यहाँ पर जो नंबर इंपॉर्टेंट हैं वो हैं फोर नंबर, सिक्स नंबर, वन नंबर एंड फाइव नंबर। ये आपकी बर्थ डेट्स हो सकती हैं, आपके पार्टनर की हो सकती हैं, या फिर ये आपके बर्थ मंथ हो सकते हैं, आपके पार्टनर के बर्थ मंथ हो सकते हैं, या फिर कहीं ना कहीं ये नंबर आपके लिए लकी हो सकते हैं, या फिर इन डेट्स में आप अपने पार्टनर से मिले हो सकते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि आपका ब्रेकअप हो चुका है आपके पार्टनर के साथ, ज़्यादा लोगों का यहाँ पर ऐसा ही लग रहा है। और आपके पार्टनर ना आज शाम अपने फ्रेंड से बातें कर रहे थे कि आप उनसे नाराज़ हैं, आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है और उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। कहीं ना कहीं उनको ये इंट्यूशंस मिल रही है और शायद हो सकता है काफ़ी सारे लोगों के लिए कि वो ऑनलाइन आपको देख भी रहे हैं कि आप कर क्या रहे हैं अपने जीवन में, आपके जीवन में चल क्या रहा है। ये पर्सन ना ब्रेकअप के बाद भी ना आपको भूल नहीं पाए हैं और अपने दोस्तों से यही बात बोल रहे हैं। आज शाम इनका दिल नहीं लग रहा था आपके बिना, इनको ऐसा लग रहा था कि जैसे कि ना इनकी दुनिया ही ना एक सूनी सूनी सी हो गई है, ये आपको बहुत मिस करते हैं। इनके दिल में ना आपके लिए काफ़ी प्यार वाली फीलिंग्स हैं, जब से ये मूव ऑन करके गए हैं ना इस रिलेशनशिप से, तब से इनको ना ये एहसास होने लग गया है कि आपके बिना ये रह नहीं पाएंगे। और इनकी जो बेकरारी ना इस बात से झलक रही है कि ये जो क्वीन ऑफ कप्स आ गया है ना, इनके दिल में बहुत सारे ऐसे इमोशंस हैं, शायद इन्होंने कभी आपको बताए भी नहीं है। इस चीज़ का इनको काफ़ी दुख है कि ये बता नहीं पाए आपको और इससे पहले ही आप दोनों सेपरेट हो गए। ओके व्यूअर्स, तो आज शाम आपके पर्सन यही सारी बातें अपने फ्रेंड से बोल रहे थे। तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी, कुछ तो क्लैरिटी मिली होगी, कुछ तो रेजोनेट की होगी। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। बाय बाय।